नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलकर सक्सेना आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाला में उद्घाटन समारोह होने के बाद भी 7 सालों से निर्माण पड़ा है अभी तक अधूरा। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा से महज 13 किलोमीटर पर बस्सी ग्राम पंचायत डॉग के ग्राम शाहजापुरा से खलकाई माता मंदिर को जाने वाला लाहड़ी का बांस सड़क निर्माण का कार्य विगत 7 वर्षों से अधूरा पड़ा रहने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विगत 7 वर्षों से पूर्व राजस्थान सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे प्रसादी लाल मीणा ने 18 सितंबर 2013 को ग्राम शाहजापुरा से खलकाई माता मंदिर वाया हार्डरी में बांस सड़क निर्माण की भूमि पूजन पर अनावरण पट्टिका का उद्घाटन किया था, मगर सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अनुशंसा पर फिर से सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री कोष मिसिंग लीक सड़क योजना के तहत 1,40,00,000 का बजट आवंटित भी किया गया था। उक्त सड़क निर्माण की सार्वजनिक विभाग द्वारा निवेदित जानकारी दी गई एवं मनीष कॉन्ट्रैक्टर डेवलपमेंट जयपुर प्राइवेट लिमिटेड ने 4 जून 2018 को सड़क निर्माण कार्य भी शुरू किया, मगर विगत 7 वर्षों से शाहजापुर से खलकाई माता मंदिर वाया हार्डरी का बांस पर पड़ी मोहरम डामरीकरण होने का इंतजार कर रही है। हिंडोली में नाबालिग बेटी का पिता हिंडोली थाने के बाहर आस लगाकर बैठा है ताकि उसकी पुत्री जल्द मिल सके, लेकिन अभी 17 दिन से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। हिंडोली क्षेत्र के बड़ान या गांव में नाबालिग बेटी का पिता हिंडोली थाने में बेटी की आस लगाए हुए बैठा है। हिंडोली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर व डीएसपी श्याम सुंदर विश्नोई ने पिता को 2 दिन का आश्वासन दिया था बेटी को लाने का, जिसको लेकर पिता आज सुबह से भूखा प्यासा बैठा हुआ है थाने के बाहर। गौरतलब रहे कि नाबालिग का आज 17 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। थानाधिकारी व डीएसपी श्याम सुंदर वैष्णोई ने 2 दिन का आश्वासन 2 दिन बाद कलेक्टर के बाहर धरना देने की पिता ने दी थी चेतावनी, जो आज सोमवार को हिंडोली थाने में आकर सुबह से अपनी मासूम बालिका की आस लगाए हुए भूखा प्यासा बैठा है। नाबालिग बालिका के पिता ने बताया कि आज अगर पुलिस प्रशासन ने मुझे मेरी बच्ची नहीं लौटाई तो मैं कल मंगलवार को एसपी को रिपोर्ट दूंगा और जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगा, और साथ ही यह भी बताया कि अगर जब तक मेरी बच्ची मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं कलेक्टर के बाहर ही धरना लगाए हुए बैठा रहूंगा। अंत में बिजली के तार बच्चों के लिए दुर्घटना का सबब बनते दिखाई दे रहे हैं। अंता के समीप ग्राम बिशड़खीरी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर से निकलते विद्युत के तार बच्चों के लिए दुर्घटना का सबब बने हुए हैं। विद्युत विभाग को स्कूल प्रशासन ने कई बार लिखित में शिकायत की, किंतु विभाग आज तक कोई विद्युत के तारों को शिफ्ट नहीं कर पाया। विद्यालय परिसर में स्थित टॉयलेट के ऊपर से निकल रही है यह विद्युत लाइन से कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। टॉयलेट के पास से निकलते विद्युत तारों की ऊंचाई भी काफी कम है, इसके चलते बच्चे टॉयलेट में जाने से भी कतराते हैं। ग्रामवासी व स्कूल विभाग ने विद्युत विभाग से मांग की है कि समय रहते विद्यालय परिसर से निकलने वाले तारों को शीघ्रता से शिफ्ट किया जाए तथा किसी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।